फेसबुक को मोनेटाइज करके 2024 में फेसबुक से पैसा कमाना बहुत ही आसान हो चुका है। लाइव प्रूफ देखना चाहोगे? चलो दिखाई देते हैं। जैसे हम गॉट इट करते हैं, थ्री लाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक किया और हम लोग करेंगे मोनेटाइजेशन सेक्शन पे क्लिक। कहाँ गया भाई? मोनेटाइजेशन पे जैसे हमने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये तीन टूल्स सेटअप का ऑप्शन आ चुका है। इंस्टीमैट, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जैसे हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इंस्टीमैट सेटअप पे क्लिक करते हैं, ऐड टूल पे क्लिक करेंगे एंड जैसे देखो सेटिंग अप इंस्टीमैट्स। और यहाँ पे देखना, अभी यू कैन नाउ स्टार्ट अर्निंग। भाई इंस्टीमैट से इतना फास्ट देखो मोनेटाइज हो रहा है। ये देखो अभी सेटअप का ऑप्शन था, अभी मोनेटाइज हो गया। आखिरकार क्यों फेसबुक इतना फास्ट जो है कि सबका पेज मोनेटाइज कर रहा है? आप सभी का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था और सबसे ज़्यादा तो ये कमेंट आ रहा था कि भाई हम अपने पेजेस को कैसे इतना फास्ट मोनेटाइज कर सकते हैं, आज की वीडियो में बताओ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो आप सबके डिमांड पे है कि कैसे आप अपने पेज को फास्ट मोनेटाइज कर सकते हो और कैसे आप लोग फेसबुक से पैसे कमा सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए नहीं कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको इस चैनल पे फेसबुक से अर्निंग करने के मल्टीपल तरीके बताता हूँ, जिन तरीकों को यूज करके आप लोग फेसबुक से अर्निंग कर पाते हैं। और जब आप में से बहुत सारे लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, वो लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपकी मदद से अभी के टाइम में हम लोग फेसबुक से 20 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, तो अलग ही प्राउड मोमेंट होता है। और एक छोटा सा बात, आप सभी का फेसबुक से रिलेटेड कोई भी छोटा मोटा सवाल हो जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और आप लोग चाहते हो कि भाई उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, तो देखेंगे कमेंट आप करना। अगर कमेंट में सॉल्व करने लायक होगा तो आपका भाई जितना हो सके फास्ट रिप्लाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अदर अगर कोई बड़ा टॉपिक हुआ, कोई जिससे कि बहुत सारे लोग उस टाइप पे कमेंट कर दें, तो उसके लिए एक अलग एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों आप सभी के ये बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि भाई आखिरकार क्यों जो है कि कल इतना फास्ट फेसबुक पेज मोनेटाइज हो रहा था 27 फरवरी को। तो चलिए मैं आपको बता दूं, फेसबुक के अंदर जो होता है हर 2-3 महीने के अंदर ऐसा सिस्टम आता है अचानक से कि जिस वक्त सबका पेज एकदम इजीली धड़ल्ले से मोनेटाइज होने लगता है, जिसका जिसका सेटअप का ऑप्शन आता है। तो ज़्यादातर जो पुराने कॉपी पेस्ट क्रिएटर है जैसे कि हम लोग, तो हम लोग इन्हीं दिनों का इंतजार करते हैं, उसके बाद अपने पेजेस को मोनेटाइजेशन में भेजते हैं। अब आप लोग कहोगे कि ऐसा क्यों होता है, आखिरकार क्यों होता है और कब आता है, कैसे पता चले, ताकि हम लोग भी जो हमारे पेजेस है जो रिजेक्ट हो जा रहे हैं या फिर जो हम लोग मोनेटाइज करना चाहते हैं वो मोनेटाइज कर पाए इजिली, या फिर कोई ऐसा तरीका बताओ कि कभी भी हम लोग किसी भी पेज को अच्छे से मोनेटाइज कर सके और फेसबुक से अर्निंग कर सके, चाहे आपका पेज हो या फिर प्रोफाइल हो। तो आप ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो है, ठीक है। देखो दोस्तों, फेसबुक ब्रांड्स के तौर पे काम करती है। जब इनके पास ज्यादा ब्रांड्स आते हैं तो इनको ज्यादा एड्स रन करनी पड़ती है और ज्यादा एड्स रन करने के लिए ज्यादा क्रिएटर चाहिए इनके पास, यानी कि जो वीडियोस बनाते हैं, वीडियो डालते हैं, तभी तो उसके ऊपर एड्स रन करेंगे। और आप देखना कि फेसबुक के अंदर ज्यादातर कॉपी पेस्ट क्रिएटर ही है, तो ओरिजिनल क्रिएटर्स बहुत ही कम है। मतलब 30% ओरिजिनल क्रिएटर होंगे जो कि मोनेटाइज से पेजेस, और 70% जो है कि कॉपी पेस्ट वाले हैं। इस वजह से फेसबुक क्या करता है कि जब इनके पास क्रिएटर कम होने लगते हैं या फिर ये लोग बहुत सारे पेजेस को डीमोनेटाइज कर देते हैं और इनके पास ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं, ज़्यादा एड्स दिखाना होता है, तो ये लोग धड़ल्ले से जो भी सेटअप में पेज होता है, कई बार ऐसा होता है सबको मोनेटाइज करना स्टार्ट कर देते हैं बिना चेक किए। लेकिन उसके लिए आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, जो कि आपका मेजर ऑफ यही जो क्वेरीज था कि भाई आखिरकार क्यों ऐसा हुआ कि सबका पेज इतना फास्टली मोनेटाइज हो गया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई क्या ऐसे जो ये चीज़ें हैं इसका कब पता चलता है, तो इसका कोई पता नहीं चलता कि कब मोनेटाइज होगा। बट इतना याद रखना कि जब मोनेटाइज होता है तो इससे पहले ही सबको पता चलता है भाई बहुत ही फास्टली सबका पेज मोनेटाइज हो रहा था, जैसे कि कल हुआ। अब ऐसे में बहुत सारे लोग ये सोच रहे कि भाई हमारा तो क्राइटेरिया ही कंप्लीट नहीं है, या फिर हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट है तो क्या हमारा कॉपी पेस्ट पेज है कई बार रिजेक्ट हो जाता है, या फिर रिजेक्ट हो जाएगा तो हम लोग उस दिन का इंतजार करें ताकि हम उस दिन जो है कि इस टाइप के पेज को मोनेटाइज कर पाए। तो उस दिन का इंतजार करना व्यर्थ जाएगा क्योंकि ये पता नहीं रहता। लेकिन ये इतना याद रखना कि जब किसी दिन ऐसा होता है तो अगर कोई क्रिएटर्स से लिंक में हो, जैसे कि आप मेरे चैनल के लिंक में हो, तो आपको टेलीग्राम पे पहले आपको पता चल जाएगा भाई आप लोगों का पेज सेटअप में है तो आप उसको मोनेटाइज कर लो, क्योंकि हम YouTube पे इतने फास्ट तो वीडियो बना नहीं सकते, इसलिए टेलीग्राम पे पोस्ट डाल देते हैं, जिस वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स को फायदा हो जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको पता चलते रहेगा फेसबुक से रिकॉर्डिंग सब भी कुछ। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेरीज था कि भाई
जो हमारा पेज रिजेक्ट हो जा रहा है तो उसको कैसे ठीक करें। तो देखो, अगर आपका इंस्टाग्राम ऐड के लिए मोनेटाइजेशन के लिए अगर कॉपी पेस्ट पेज है या फिर ओरिजिनल भी पेज है, तो एक बार गूगल में जाके क्रिएटर स्टूडियो को ऑन करके वहां से चेक किया करो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। अगर प्रॉब्लम हो तो मत भेजो, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो भेज दो, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका इजीली पेज जो है कि मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको तो भाई पहले से ही क्राइटेरिया कंप्लीट करने का शौक होता है, भाई जल्दी से क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ और मोनेटाइजेशन में धड़ाक से भेज देते। तो ऐसा नहीं है, चेक करके भेजा करो, कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर चेक करके नहीं भेजोगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो तो रिजेक्ट होगा ही ना मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप सभी का सारा क्वेश्चन और क्वेरीज जो है कि क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार क्यों कल इतना फास्ट पेज मोनेटाइज हो रहा था। मिलते फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।